अपनी बुद्धि से सबको हरा दो। बस 21 दिन में आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि आप दूसरे लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दोगे। बस आपको गौतम बुद्ध ने बताएं, इन आदतों को अपने जीवन में अपनाना होगा। तो चलिए जानते हैं उन आदतों के बारे में, गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से 10 आसान आदतें जो 21 दिन में आपको एक नया और बुद्धिमान इंसान बना देंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि हजारों मील का सफर भी सिर्फ एक ही कदम से शुरू होता है। देखा जाए तो अपनी जिंदगी में लक्ष्य हम सभी तय करते हैं, अपने लिए ख्वाब बुनते हैं, खुद को लेकर कई सारे सपने भी देखते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य अपनी मंजिल के पीछे भागने की बजाय ज्यादातर लोग अपने उन ख्यालों के पीछे भागते रह जाते हैं जिनका शायद सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है, जो सिर्फ उनके दिमाग की एक उपज है। इन सभी गैर जरूरी ख्यालों के पीछे भागते हुए वह इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश भी नहीं करते कि वो ख्याल सकारात्मक है या नकारात्मक सच है, या उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, या वह किसी और से प्रभावित है, उसका सच्चाई से कोई संबंध है भी या नहीं। और शिष्यों, इसीलिए ज्यादातर लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर असफल रह जाते हैं। गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि ज्यादातर लोग असफल क्यों होते हैं, लेकिन क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम सफल कैसे हो सकते हैं? वो कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता के लिए तैयार करती है और फिर सफलता के शिखर तक पहुंचाती है? गुरु ने शिष्य का पूरा प्रश्न बड़े ध्यान से सुना और फिर हाथ के इशारे से उसे बैठने का आदेश देते हुए अपने सभी चीजों से कहा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ जोश और इच्छा शक्ति का होना ही आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिर्फ हमें प्रेरित करके हमसे काम की शुरुआत करवा सकती है, लेकिन पूरे जोश और उत्साह के साथ लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर टिके रहने और दूर के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें उन आदतों को अपनी रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो व्यक्ति को सफलता के लिए तैयार करती है और उसे सफल बनाती है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो सिर्फ 30 दिनों में आप अंदर से एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे और खुद के भीतर एक गजब की सकारात्मक ऊर्जा और जो उसको महसूस करेंगे जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। तो उन सफल आदतों की श्रेणी में पहली आदत है, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद के भाव के साथ करेंगे। सुबह जैसे ही आपकी आंख खुले तो कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी करने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए, जिसकी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं, उसका आह्वान करते हुए उन 3-4 चीजों को याद कीजिए जिसके लिए आप ईश्वर की, उन 3-4 लोगों, चीजों या घटनाओं के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए जिनकी वजह से आपके जीवन में बेहतरी आई है, आप ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हुए हैं। ज्यादातर मौकों पर हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे आसपास के माहौल में एक ही वो इंसान होता है जो हमारे सबसे ज्यादा दुखों और परेशानियों का कारण होता है, लेकिन हमारे आसपास 99% लोग अच्छे होते हैं। हमारे जिंदगी में 99% चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम बुरे इंसान पर, बुरी घटनाओं पर, बुरी परिस्थितियों पर, बुरे परिणामों पर ध्यान देंगे तो फिर पूरा दिन हमें उस तरह की चीजें और मिलेंगी। लेकिन अगर हम शुक्रगुजार हैं अपने जीवन की 99% अच्छी चीजों के लिए तो फिर हमारे पास और अच्छा चलकर जरूर आएगा। ये जो आभार व्यक्त करने की आदत है, ये हमारी मानसिकता को सुबह सुबह ही बदल कर रख देती है और सकारात्मक तरीके से अपने दिन की शुरुआत करने में मदद करती है। इस अभ्यास को करने में बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है, लेकिन यह आपके पूरे दिन के काम करने के तरीके, आपकी मानसिकता और आपके विचारों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। सफल आदतों की श्रेणी में दूसरी आदत है, आपको हर दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। आप चाहे दौड़ लगाए, कसरत करें, योगासन करें या फिर प्राणायाम, लेकिन आपको हर सुबह कोई ना कोई ऐसी क्रिया जरूर करनी है जिसमें आपके शरीर को मेहनत करनी पड़े, उसे पसीना बहाना पड़े। ये इंसानी शरीर बना ही मेहनत करने के लिए है, इसे हर समय आराम देने से यह निष्क्रिय, कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है। व्यायाम करना न सिर्फ आपके शरीर को फायदा पहुंचाता है बल्कि ये आपके दिमाग और आपके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी कमाल करता है। रोज व्यायाम करने से आपका शरीर और मन मजबूत होता है, आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास और तेज का जन्म होता है जो आपकी सफलता की राह में आपके सहायक बनते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में तीसरी आदत है, लक्ष्य निर्धारित करो और अपने दिन को योजना के अनुसार चलाओ। रात में सोने से पहले ही अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को निश्चित कर लो और उन्हें लिख लो, फिर उसी के अनुसार अपने पूरे दिन की योजना बनाओ और उस पर अमल करो। अगर कोई व्यक्ति योजना बनाकर अपने दिन की शुरुआत नहीं करता
और कोई सभी काम कभी भी करता है तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने पूरे दिन का सदुपयोग नहीं कर सकता। हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होता है तो उनके लिए कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कल उन्हें कौन सा काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लोग उस काम को पूरा नहीं कर पाते और उसे टालते रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने काम को समय पर पूरा न करके उसे लगातार टालता रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। ज्यादातर लोगों का अपने काम को समय पर पूरा ना करना और उसे लगातार कल पर टालते रहने का सबसे बड़ा कारण है उनके अंदर आत्म अनुशासन का ना होना, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मा अनुशासित है वो अपना हर काम समय पर पूरा करता है। सफल आदतों की श्रेणी में चौथी आदत है, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ नया पढ़ना चाहिए। अगर आप अपना दिन का समय अपने लिए कुछ नया सीखने, पढ़ने या विकास के कामों में नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप चाहे कितनी ऊंचाइयों पर हो, कितने ही समझदार और बुद्धिमान हो, आप जिंदगी में हारने ही वाले हैं, आप नीचे गिरने ही वाले हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही व्यक्ति महान ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। सीखने का कोई भी तरीका हो सकता है, जैसे अच्छी किताबें पढ़ना, अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों की बातें सुनना, रोज अपने काम का अभ्यास करना इत्यादि। अगर आपको दुनिया के 1% सफल लोगों में शामिल होना है तो लगातार सीखते रहने की आदत को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही पड़ेगा। सफल आदतों की श्रेणी में पांचवी आदत है, कम खाओ और अच्छा खाओ। यहां अच्छा खाने से मतलब है संतुलित आहार, यानी ऐसा भोजन जो पोषक तत्वों से भरपूर हो और आपके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचाए। देखा जाए तो भोजन हमारे शरीर के लिए औषधि है, भोजन शरीर के लिए सब कुछ है, क्योंकि शरीर को औषधि तो हम कभी कभार ही देते हैं, लेकिन इसे भोजन हर दिन देते हैं तो हमारा शरीर कैसा होगा ये हमारे भोजन की गुणवत्ता और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि शरीर को चलाने वाले सारे पोषक तत्व भोजन से ही मिलते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भोजन मत करो जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो और जिसे पचाना हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाए। ज्यादा तला भुना और बासी भोजन मत खाओ, 3 सफेद जहरों से जितना हो सके उतनी दूरी बना लो। पहला सफेद जहर है चीनी, दूसरा सफेद जहर है नमक और तीसरा सफेद जहर है मैदा, चीनी और मैदा से। तो हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व नहीं मिलता और इन्हें पचाना भी शरीर के लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनका सेवन कम से कम करो। भोजन मन भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए करो। जब भूख लगी तभी भोजन करो और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाओ। रात में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भोजन करने का प्रयास करो। अपने आहार में जीवित भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे भी इत्यादि का सेवन जरूर करो। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पियो, भोजन करने से पहले पानी पियो, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी कभी मत पियो। भोजन हमेशा शांत चित और प्रसन्न मन के साथ करो और भोजन ग्रहण करते समय उसका पूरा आनंद लो। हम जैसा अपने शरीर को भोजन देते हैं यह उसी के अनुसार काम करने लगता है, इसीलिए अपने भोजन और उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखो। सफल आदतों की श्रेणी में छठी आदत है, उनके साथ हर दिन थोड़ा सा समय बिताओ जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन या फिर आपके सच्चे मित्र। ये एक आदत आपके परिवार में खुशी और शांति लाती है, परिवारजनों के बीच प्रेम और एकता बढ़ती है जिससे आप ज्यादा खुश और शांत रहने लगते हैं। पारिवारिक तनाव कम होने की वजह से अपने जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और ज्यादा अच्छे परिणाम हासिल कर पाते हैं। सफल आदतों की श्रेणी में सातवीं आदत है, हर दिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाले, और इस थोड़े से समय में आपके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। ये आपका अपना समय है जिसमें आप अकेले एकांत में रहेंगे, खुद के बारे में चिंतन करेंगे, खुद की अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में विचार करेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने काम के बारे में सोचेंगे, अपने भीतर उतरने का प्रयास करेंगे। इन एकांत के पलों का उपयोग आप खुद को और भी बेहतर तरीके से जानने और समझने में करेंगे। इस समय आप खुद की कमियों के बारे में विचार करेंगे और उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं इस पर मंथन करेंगे। सफल आदतों की सूची में आठवीं आदत है, समय का सही प्रबंधन करना, उसका सही उपयोग करना। जिंदगी दिनों, महीनों और सालों में गिनी जाती है, तो जिसने अपना दिन संभालना सीख लिया उसका महीना संभल जाएगा, और जिसने अपने महीने संभालने सीख लिए उसके साल संभल जाएंगे, और जिसके साल संभल गए उसकी पूरी जिंदगी संभल जाएगी। इसीलिए अपने दिन को सही तरीके से संभालना सीख लो। जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबसे पहले खत्म करो। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में देख लो, घंटे तो सबके पास 24 ही होते हैं, लेकिन इन्हीं 24 घंटों में कुछ लोग कमाल कर जाते हैं, अपने एक ही जीवन में ना जाने कितने सारे काम कर जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोग छोटे छोटे कामों में ही उलझे रह जाते हैं।
और जीवन भर यही कहते रहते हैं कि इस काम के लिए समय नहीं है, उस काम के लिए समय नहीं है, तो आखिर समस्या कहाँ है? समस्या है अपने समय का सही प्रबंधन न कर पाना। सफल आदतों की श्रेणी में 9वीं आदत है, रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसे कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता है सबसे महत्वपूर्ण कामों को खत्म करने का, जैसे ध्यान का अभ्यास, व्यायाम, किताबें पढ़ना इत्यादि। सुबह जल्दी उठकर ध्यान का अभ्यास करने से दिन भर मन शांत और प्रसन्न रहता है। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करने से व्यक्ति का काम समय पर पूरा हो जाता है और वह बेवजह की चिंता और तनाव से बच जाता है। सुबह जल्दी उठकर काम खत्म करने से व्यक्ति के अंदर एक ऐसा अनुशासन जन्म लेता है जो उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। सफल आदतों की श्रेणी में 10वीं आदत है, वीर्यनाश, धूम्रपान और मदिरापान से बचे। ये तीनों ही काम ऐसी बुरी लत है जो निश्चित रूप से आपको पीछे ले जाने वाली है। ये तीनों ही काम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। वीर्यनाश आपके तेज और कांति को खत्म करता है और साथ ही आपको शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। हालांकि इन तीनों ही चीजों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप चाहे तो मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हें छोड़ सकते हैं, इनसे निजात पा सकते हैं। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वह मौन हो गए। यह देखते ही सभी चीजें समझ गए कि अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है। उन सब ने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अपने बुद्धि को सबसे तेज और धारदार कैसे बनाएं। तो चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी बुद्धिमानी से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खासियत थी कि वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी और कम समय में सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के की यह ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सभी लड़के की तारीफ में कहने लगे कि उसके जितना बुद्धिमान कोई नहीं है। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना जैसे अन्य कई चीजों को जानता था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह अन्य काम और चीजों को भी सीखने लगा। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि वह साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण काम भी आसानी से करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान गौतम बुद्ध से हुआ। लड़के को खुद पर खूब अहंकार था और इस कारण उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती थी, क्योंकि वह खुद को ही श्रेष्ठ समझता था। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देख ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए एक कटोरा है और उसके पास अपार धन। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और उसके वस्त्र कीमती थे। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों से गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षु के साथ अपनी तुलना क्यों कर रहा हूं, जबकि इसका और मेरा जीवन बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का सम्मान कर रहे थे। लड़का सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझमें नहीं है, जिस कारण मेरे भीतर इनके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाता है। तो आखिर वास्तव में कौन है? बुद्धिमान बुद्ध के पास जाकर वह कहता है, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं मैं वह सब करना जानता हूँ। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में सीख लेता हूँ, इसलिए सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देख मेरे भीतर ईर्ष्या पैदा हो गई, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। सभी आपको इतना आदर सम्मान क्यों दे रहे हैं? लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन तुम कह सकते हो कि मेरी यही एक उपलब्धि है। बुद्ध लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है कि भला किसे निंदा अच्छी लग सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है मैं इनसे भी ऊपर हूं। मुझे ना निंदा सताती है और ना अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होता हूं। यही अंतर है तुम में और मुझ में। बुद्ध कहते हैं, तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन सबसे जरूरी काम को सीखना भूल गए। लड़का पूछता है, कौन सा काम? अब इस प्रकार बुद्ध ने दिया बुद्धिमान होने का ज्ञान। बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें मन को नियंत्रण करना आता है? ये बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध कहते हैं, जिसने संपूर्ण जगत जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया उसने कुछ भी नहीं जीता। वहीं जिसने अपने मन को जीता लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया। बुद्ध की यह बात सुन लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि
क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? बुद्ध कहते हैं, जरूर, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूं। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, दिमाग की धार को कैसे तेज करें। लगभग हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी यह सिद्ध कर चुका है कि हम हमारे दिमाग का मैक्सिमम 10% ही यूज कर पाते हैं, और इसमें से ज्यादातर हमारा दिमाग बचपन में ही सब कुछ सीखता है और सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम हर रोज कुछ न कुछ नया कर रहे होते हैं। रोज पढ़ते हैं, नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे रोज के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन यदि हम अपने दिमाग को धार देते रहे तो हम दुनिया में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। यह सीखा मैंने इस कहानी से। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी, जिसमें वहां के लोग पेड़ काटने का काम करते थे, जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर था जो पिछले 8 सालों से पेड़ काटने का काम कर रहा था। उसी कंपनी में एक बिल नाम का नया वर्कर लगता है और एक ही साल में उसकी सैलरी बढ़ जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। ये बात जॉन को पता लगती है तो वह कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर, इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर बोलता है, नहीं जॉन, इस कंपनी को मैं मैनेज करता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन बोलता है, सर, मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है, लेकिन बिल, जो कि 1 साल पुराना ही है, उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया, जबकि प्रमोशन तो मेरा होना चाहिए था। इसके बाद मैनेजर बोलता है, देखो, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, मैं यह बात मानता हूं, लेकिन कंपनी के नियम के अनुसार जो ज्यादा पेड़ काटता है उसे ज्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तुम पहले भी रोज 4 पेड़ काटते थे और अब भी 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन वह रोज 8 पेड़ काटता है, इसलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। यह बात सुनकर जॉन लौट जाता है और रोज से ज्यादा मेहनत करता है और ज्यादा देर तक काम करता है। कुछ दिनों के बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर, मैं अब ज्यादा मेहनत कर रहा हूं और ज्यादा समय तक काम करता हूं, लेकिन फिर भी मैं रोज सिर्फ 5 पेड़ ही कर पाता हूं। बिल रोज 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर ने कहा, यह बात तो तुम्हें बिल ही बता पाएगा, तुम बिल से जाकर पूछ लो। अगले दिन जॉन बिना संकोच किए बिल के पास जाता है और पूछता है कि बिल, तुम रोज 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत करके भी सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेड़ कैसे काटते हो? बिल कहता है, पहले तुम बताओ जॉन की तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाए थे? जॉन, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल कहता है, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का समय निकालता हूं और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूं, और जो पेड़ तुम 2 घंटे में काटते हो वह मैं 1 घंटे में ही काट देता हूं। धार देने वाले 2 मिनट मेरे आने वाले 58 मिनट बचा देते हैं और मैं रोज 8 पेड़ काट लेता हूं। यह सुनकर जॉन बिल को धन्यवाद देते हुए चला जाता है। सिर्फ ज्यादा समय और ज्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे अपनी कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा उस समय से उसके कार्य पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। जॉन अपनी कुल्हाड़ी में धार देकर काम शुरू करता है और कुछ ही दिनों में वह भी प्रमोशन ले लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, हमें हमेशा ही अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और अपने दिमाग को धार देना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो। मैंने कुछ दिनों पहले सत्य नाडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने हैं, उनके बारे में पढ़ा था कि वह आज भी नए कोर्स ज्वाइन करते रहते हैं और नई किताबें पढ़ते हैं। उन्हें आज भी नया सीखने में कोई संकोच नहीं है और शायद इसीलिए वह इतनी बड़ी पोजीशन पर है। सक्सेस वही होते हैं जो समय के साथ बदलते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। जिस तरह तालाब का पानी एक जगह स्थित होकर कुछ ही दिनों में सड़कर बदबू देना शुरू कर देता है, लेकिन नदी जो हमेशा बहती रहती है, प्रगतिशील होती है, उसका पानी साफ होता है, उसी तरह से जो लोग नई चीजें पढ़कर और सीखकर अपने दिमाग को धार देते हैं वही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी, दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, कचंदनपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। चंदनपुर का राजा बड़ा ही दानी और प्रतापी था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे, पर राजा एक बात को लेकर बहुत चिंतित रहा करता था कि धर्म दर्शन पर लोगों के विचारों में सहमति क्यों नहीं बनती। एक बार राजा विभिन्न धर्मों के उपदेशकों को आमंत्रित किया और एक विशाल कक्ष में सभी को एक साथ रहने का प्रबंध करते हुए कहा, अब अगले कुछ दिनों तक सब एक साथ रहेंगे और आपस में विभिन्न धर्मों और दर्शनों पर विचार विमर्श करेंगे।
और जब सभी के विचार एक मत हो जाएंगे तो मैं आपको ढेरों उपहार देकर यहां से विदा करूंगा। और ऐसा कहते हुए राजा वहां से चला गया। कक्ष में घोर विचार विमर्श हुआ। सभी अपनी अपनी बात समझाने में लगे रहे, पर कुछ दिन बीत जाने पर भी वे एक मत नहीं हो पाए। पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महात्मा जी को जब ये बात पता चली तो वह तुरंत राजा से मिलने पहुंचा। उसने कहा, हाय राजन, मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, क्या तू मुझे भी दान देगा? महात्मा जी बोले, अवश्य, बताइए आपको क्या चाहिए? राजा बोला, महात्मा जी, मुझे तेरे अनाज के गोदाम से कुछ अनाज चाहिए। राजा, जी बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। राजा उन्हें गोदाम तक ले गया। वहां पहुंचते ही महात्मा जी बोले, अरे ये क्या राजन, तुम्हारे गोदाम में तो तरह तरह के अनाज रखे हैं, तुम इन सब की जगह कोई एक ही अनाज ही क्यों नहीं रखते? राजा को यह सुन थोड़ा अचरज हुआ और वह बोला, यह कैसे संभव है? अगर मैं गेहूं, चावल, दाल इत्यादि की जगह बस एक अनाज ही रखूंगा तो हम अलग अलग स्वाद और पोषण के भोजन कैसे कर पाएंगे? और जब प्रकृति ने हमें इतने ढेर सारे अन्न दिए हैं तो बस किसी एक अन्न का ही प्रयोग करना कहां की बुद्धिमानी है? महात्मा बोले, बिल्कुल सही राजन, जब तुम विभिन्न अनाजों की उपयोगिता एक से नहीं बदल सकते तो भला विभिन्न धर्मों के विचारों और दर्शनों को एक कैसे कर सकते हो? सबकी अलग अलग उपयोगिता है और वे समय समय पर मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। महात्मा जी ने अपनी बात पूरी करते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने कक्ष में बंद सभी उपदेशकों से क्षमा मांगते हुए उन्हें विदा कर दिया। दोस्तों, यदि पूरी मानव जाति बिल्कुल एक जैसा ही सोचती तो हम कभी इतनी प्रगति नहीं कर पाते। हमारे विचार ही हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर कभी आपका विचार औरों से मेल ना खाए तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि यह देखने की जरूरत है कि पूरी पिक्चर में आपका विचार कहां फिट हो सकता है। और दूसरी तरफ यदि किसी और का विचार आपसे मेल ना खाए तो उस पर नाराज होने की बजाय ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसकी सोच का कहां और कैसे यूज किया जा सकता है। तो अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे पांचवें कहानी की तरफ। पांचवी कहानी, एक बार की बात है, एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया हुआ था। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वह धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे समय का भान ही न रहा। आखिर उसने एक दिन अपने घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक शयनकक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। उसने जो देखा सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई प्रतीत होने लगी। उसने देखा कि शयन कक्ष में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसका अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं था। व्यापारी ने विचार किया कि ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है जहां ऐसी स्त्री हो। उसने फौरन निर्णय लिया कि पत्नी और उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा और अलग घर बसाने का प्रयास करूंगा। तभी उसकी नजर शयन कक्ष की दीवार पड़ी जहां एक श्लोक लिखा था। उसने उस श्लोक को पढ़ा। श्लोक में लिखा था, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्ध स्वयमेव संपद। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं सोच समझ कर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आ जाती हैं, उसे समृद्ध कर देती हैं। ये पढ़ते ही व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया और घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोलने से पहले काफी पूछताछ की और जब वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाजा खटखटाने वाला उसका पति ही है तो उसने शीघ्रता से दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा कि ये आपका पुत्र है जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। 18 वर्ष पहले जब आप विदेश गए थे तो ये 2 साल का था। भावातिरेक में पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुत्र को हृदय से लगाकर प्यार किया। अब व्यापारी का संदेह खत्म हो चुका। दोस्तों में एक श्लोक के सार्थक संदेश ने न केवल उसे पुत्र हत्या होने के पाप से बचा लिया अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। विमर्शकारिता अर्थात सोच समझ कर कार्य करना व क्षिप्रकारिता अर्थात जल्दबाजी न करना महान गुण है। जीवन में भ्रांतियां अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या आ खड़ी होती है तो हम घबरा जाते हैं और फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। अतः हमें कभी भी बिना पर्याप्त विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान अनिवार्य है, उसी तरह से कोई समस्या हो अथवा भ्रांति को दूर करने के लिए भी पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं।